दिनांक 15/1/2019 को महावीर स्टडी स्टेट इंटर कॉलेज महाराजगंज जायबरेली में वार्षिक अभिभावक सम्मेलन परीक्षा फल वितरण एवं मेघावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री अवधेश सिंह रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, शास्त्रीय संगीत एवं कथा पर आधारित वरदे वीणा वादनी बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम जिसमें हनी बनी राधा कृष्ण का होली डांस, राग यमन पर आधारित वृंदावनी सारंग, शास्त्रीय संगीत गढ़वाली एवं हमोंगे कामयाब लोकगीत, पुलवामा शहादत एवं सेवा कर नाटक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बच्चों का कवि सम्मेलन प्रस्तुत किए गए। मेघावी सम्मान नर्सरी से कक्षा 11 तक क्रमशः प्रथम वेद का अंशिका अंशु, शशि जोया अंसारी, यश काव्य रौनक आहट, अथर्व सिंह, नवप्रीत पलक, मीनाक्षी सूरज द्वितीय श्रेणी क्रमशः वेद काजल, रिया दिशा, ओजस यजस्वी, युवराज खुशी, विनय दिव्यांश, सोनल सरोज, निशा अनंत तृतीय श्रेणी क्रमशः आकृति उत्सव, संस्कार आयुषी, अनुराग मानसी, रिमझिम राज प्रिया। साथ ही माननीय मैनेजर सर ने आशीर्वचन में बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं कॉलेज की बुलंदियों पर पहुंचाने हेतु स्विमिंग पूल एवं हॉर्स राइडिंग बच्चों हेतु भविष्य में व्यवस्था हेतु बात कही। ये बच्चों को 100% अटेंडेंस, ऑनेस्टी एवं एकेडमिक्स में बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल्स एवं मेमेंटो द्वारा उनके अभिभावकों को भी सम्मानित एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं अंत में प्रधानाचार्य श्री कमल वाजपेयी ने सभी उपस्थित अभिभावकों को धन्यवाद एवं बधाई दी। वहीं एंकरिंग करने वाले बच्चों तथा अध्यापकों एवं समस्त स्टाफ को बधाई दी एस मोटिवेशन। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि हार्डवर्क, यूनिकॉर्न, एस मोटिवेशन तथा अचीवमेंट को अपनाकर हम विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे वे अपने जीवन की सफलताओं को हासिल करें। उन्होंने कहा कि महावीर स्टडी स्टेट कॉलेज को अन्य स्कूलों से हटकर यूनिक बनाएंगे। अंत में सभी का हार्दिक सम्मान करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, महाराजगंज रायबरेली। जनपद कन्नौज के थाना कस्बा सौरिक की सनसनी घटना सामने आई। आपको बताते चले कि आसिम अली पुत्र कासिम अली निवासी कायमपुर उसी गांव के निवासी कल्लू पुत्र सियाराम, जो कि उनकी सराफा ज्वेलर्स की दुकान नादेमऊ रोड पर उपस्थित है। आसिफ अली ने अपनी शादी के लिए कल्लू को 1,00,000 रुपए नगद दिए, कंगन और झुमकी और जंजीर और ब्रिज वाला बनाने के लिए। वही 25,000 बारात जाने से पहले देने को कहे थे। 14 तारीख को उनकी दुकान पर ज्वेलरी लेने गए तो देखा कि दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। वही फोन लगाने पर फोन नहीं लगा, पता चला कि वे लोग वहां से भाग चुके। उसके बाद 15/3/2019 को बारात जानी थी, उसी दिन से 10 चक्का लगाए लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। वही कल्लू के परिवार वालों ने जानकारी ली तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने सौरिक थाने में तहरीर दी और मदद के लिए गुहार लगाई। जी आपका क्या नाम है? कासिम अली। कासिम अली, कहाँ रहते हो आप? कायमपुर। आपके पिताजी का क्या नाम है? आसिन अली। आसिन अली, तो किस बात को लेकर आपकी विवाद हुआ ये? मतलब मैंने जेवर बनवाया था शादी के लिए, ठीक है, जो पैसे दे दिए मैंने सुनार को पहले ही। कल्लू सुनार नाम है उनका। ये कल्लू सुनार जो है ये कहाँ रहते हैं? ये सौरिक रहते हैं और इनका वहीं पे दुकान है नादेमऊ रोड पे। अच्छा अच्छा, तो आपने थाने में कुछ एप्लीकेशन दिया है? थाने का एप्लीकेशन ये है। अच्छा, ये आप कौन है? लड़के की माँ। आपका क्या नाम है? शमसुद्दीन सर। अच्छा, तो जिस आपका जो जेवर अभी मिला नहीं है? नहीं साहब, हम दो तीन दफे सुबह से जा चुके, आज अभी दे रहे और लेकिन मुझे दिया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद हरदोई में बाराही ग्राम सभा में कोटेदार व सप्लाई इंस्पेक्टर की भगत से लाभार्थियों को झेलनी पड़ रही है कोटेदार की मनमानी, जिससे जनता परेशान हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ सप्लाई इंस्पेक्टर कोटेदार की कालाबाजारी नहीं रुक रही। आपको बताते चले, बाराही ग्राम सभा में गरीब व्यक्तियों को जिनके पास कार्ड मौजूद है उनको राशन नहीं दिया जाता, गाली गलौज करके कोटेदार भगा देता है। वही कोटेदार यह भी कहता है कि कोटेदार धमकी देता है कि अगर अगली बार मांग करोगे तो आप लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। इसीलिए जनता किसी के पास ना पहुंचकर मीडिया के द्वारा अपनी बात हर अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वही एक बार नहीं 100 बार जनता ने एप्लीकेशन के द्वारा इंस्पेक्टर संडीला SDM वार्ड DM मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाभार्थियों का कहना है कि होली का त्यौहार है, लाभार्थी गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा या नहीं, कोटेदार की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। दादा क्या नाम है आपका? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन जी, कहाँ रहते हो? बराही। बराही में। अच्छा, और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? नजमुल हसन। नजमुल हसन। हसन, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है सर, राशन हमको नहीं देता है जी। बच्चों को भेजते हैं, हम बुजुर्ग आदमी बिठा के ले जाते हैं, अंगूठा कहीं नहीं आता है, सब घुमा देता है
जी, कहीं कहता जाओ कि ले, उल्टा सीधा लेओगे कुछ तब जाओगे जी, गाली देता है मतलब धौसियावत है गाली बनाए में कभी। अच्छा, धौसियावत खूब है, धौसियावत है, धौसियावत का हो गाली ही हुई। हाँ, कहीं जाओ ने लेओ भाई बवाल बनाए का मतलब खूब उल्टी सी दिखाए, धमकी देता है। हाँ, अच्छा अच्छा, और ज्यादा करे तो बच्चे ने हरजनी लगवा दे, भागे भागे घूमे लगी, हरजनी लगवा देंगे। हाँ, अच्छा, हरजनी की धमकी देता है। हाँ, और राशन नहीं देता है, राशन नहीं देते। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? काजिम अली जी। काजिम अली, काजिम अली। हाँ, क्या दिक्कत है आपके यहाँ? अरे दिक्कत का, हम बीमार आदमी, 3 महीने बीमार पड़े जी, और उसके यहाँ लेने जाते हैं जी, तो बड़ी मुश्किल, जब पुकारा किए तब निकला जी, हम कहें बीमार आदमी, हमारे भैया 3 यूनिट हैं राशन दो जी। कहा लगा कि जब सबका घुमा दिन, बहुत आदमी ने घुमा दिन, तो तुम हो जाओ, यहाँ 4 जने हैं बैटरी जी, तो हम भाई घूम या नौका। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RK सिंह की रिपोर्ट, अतरौली, हरदोई। सरकार द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कई अथक प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी कई मार्ग खस्ता हाल हैं। ज्यादातर सड़कों पर गहरे गड्ढे बने हुए जो कि मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला है फिरोजाबाद के थाना पछोकरा क्षेत्र के गांव नगला गंगाराम का, जहां पर रोड खराब होने के कारण बड़ा हादसा होने से टला। ट्रैक्टर ड्राइवर ने गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। फिर भी आए दिन सड़क मार्ग की खस्ता हाल के चलते दुर्घटनाएं होती नजर आ रही है। फिर भी इस ओर न तो प्रशासन की नजर पड़ रही है, न ही विकास प्राधिकरण। मोहन सिंह थलीगढ़ी से आलू लेके आ रहा हूँ, थलीगढ़ी से, और ये रोड खराब होने की वजह से गाड़ी पलटी हुई। कहाँ जा रहे थे, कौन से कुल जा रहे थे? ये मुड़ी चौराया कुल, श्री कृष्णा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।